गुड मॉर्निंग स्किल इंडिया स्टडी इंडिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर सुनील कुमार स्किल इंडिया स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैकेनिक डीजल इंजन के कुछ एमसीक्यू बीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आईटीआई के फाइनल एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और आईटीआई से जो संबंधित एग्जाम है उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए, इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में हमने 11 से 20 तक क्वेश्चन बताएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0.05 मिमी, ऑप्शन नंबर बी 0.01 मिमी, ऑप्शन नंबर सी 0.02 मिमी, ऑप्शन नंबर डी 0.03 मिमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.01 मिमी। क्वेश्चन नंबर 12, मापन यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गहराई गेज, ऑप्शन नंबर बी बोर डायल गेज, ऑप्शन नंबर सी टेलीस्कोपिंग गेज, ऑप्शन नंबर डी वर्नियर गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोर डायल गेज। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो ये फिगर है इसमें बता रहा है कि एक्स जो इंडिकेट किया गया है वह एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए धूरा, ऑप्शन नंबर बी सवार, ऑप्शन नंबर डी जूतों को केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड एनविल इंस्टर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूतों को केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए धूरा, ऑप्शन नंबर बी सवार, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड एनविल इंस्टर्ड इंसर्ट, ऑप्शन नंबर डी जूतों को केंद्रित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवार। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी सवार, ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड एनविल इंसर्ट, ऑप्शन नंबर डी जूतों को केंद्रित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तना। क्वेश्चन नंबर 16, डायल बोर्ड गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है? ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी सवार, ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड एनविल, ऑप्शन नंबर डी केंद्रित जूता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवार। क्वेश्चन नंबर 17, टेलीस्कोपिंग गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गहराई से माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अंदर माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोमीटर के बाहर, ऑप्शन नंबर डी 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोमीटर के बाहर। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए निहाई, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी सवार, ऑप्शन नंबर डी सूचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवार। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ऑप्शन नंबर ए निहाई, ऑप्शन नंबर बी दबाना, ऑप्शन नंबर सी सवार, ऑप्शन नंबर डी तना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दबाना। क्वेश्चन नंबर 20, क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन नंबर सी बोर डायल गेज, ऑप्शन नंबर डी स्लिप गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर। हाँ, तो मेरे छात्र बंधु, इस वीडियो में बस इतना ही था क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर हमने 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बताएंगे, चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबा दे ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।